चला दिए और ये नींबू पानी बनाते हुए एक भी सुना रहा है मेरे को मैच की बातें। मैच खेल रहा था ना मैं, वो बहुत पहले 4-5 महीने पहले खेली थी ना, वो कचौड़ी है ना ब्रेड, उसी के अंदर रख दी और मैंने ना निकालना भूल गया। अब जाके निकाला मैंने, देखो बैग के अंदर क्या क्या मिला। 4 महीने वो चीटियां निकल रही थी मोटी मोटी, देखा लापरवाही का नतीजा। मतलब ना क्या है, मेरे पैर क्या खराब हुए, इन्होंने इनके बैग ही खराब होने लगे। उनको ध्यान है, अब जाके मैंने कचौड़ी वो रखी थी ब्रेड 4-5 महीने पहले। देखो इसमें क्या बैग में क्या निकला है, 4 महीने की कचौड़ी। और ये आम लेके आए मोटी मोटी, ये आम लेके आए, ये नींबू लेके आए मोटी मोटी। बाहर फेंक दी, बाहर फेंक दी। मैंने बाहर रख दिया, 7 बजे का टाइम हो रहा है, मैंने बैग बाहर रख दिया, चीटियां निकल गई धीरे धीरे। 7 बजे का टाइम हो रहा है, ये अभी आए तो एक ब्लॉग खत्म करा और दूसरा ब्लॉग चालू कर दिया। तो वेलकम है मेरे ब्लॉग में, मीरा ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो ये अभी क्रिकेट खेल के आया है, तो अभी अभी आरसीबी जीतेगी। अच्छा आरसीबी, तो चलो और सब्जी है जो बाहर से लेके आ जाए। विराट कोहली क्या क्या लेके आया, तो ये शुभम क्या कर रहा है देखो। और ये लेके आए रिंग, तो कई दिन से ना कुकर की ढक्कन का रिंग खराब हो गई थी, तो ये खोल रहा है मुंह से, तो मैं मना कर रही हूँ कि कैची से खोल। और ये कह रहा है कि नहीं मैं तो ना मैं ही लगाऊंगा, तो ये लगा रहा है, तो आप देखना कि इससे लगती है कि नहीं लगती है। तो ये कोशिश कर रहा है, तो बच्चों को भी ये सिखाना ज़रूरी है, तो आप सब भी ज़रूर सिखाया कीजिए अपने बच्चों को। तो ये सीख रहा है और खुद ही देखो लगा रहा है रिंग, तो बहुत कोशिश कर रहा है बहुत। तो और मैंने कहा कि मैं हेल्प करती हूँ, तो मना कर रहा है। देखो लगती है कि नहीं लगती इससे, आप देखना और कमेंट करके बताना कि बच्चों को ये सिखाना चाहिए कि नहीं सिखाना चाहिए। मैं तो छोटी छोटी सिखाती हूँ, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि बच्चे को आनी चाहिए। कभी रिंग निकल जाए तो बच्चा अपने आप डाल भी सकता है, इसीलिए तो मैंने इधर से पकड़ा है। तो फिर भी कोशिश कर रहा है, बहुत कोशिश कर चुका है, फिर भी इससे नहीं हो रहा। तो मुझसे कह रहा है नहीं मम्मी या नहीं हो रहा मुझसे, तो आप करके बताइए। तो ये कैमरा ले लिया इसने मेरे से और ये शूट कर रहा है कि मम्मी लगाएगी, तो मैंने ये रिंग लगा दी है। इसको बताया कि ऐसे खड़े करके फिर लगाते हैं। तो ये है देखिए, सब्जी बनाई थी गट्टे की, बेसन के गट्टे की सब्जी बनाई थी, तो देखिए कितनी अच्छी है। तो आप सब कहेंगे तो रेसिपी भी शेयर करूंगी मैं, बहुत तरी वाली सब्ज़ी, राजस्थान की फेमस सब्ज़ी है ये गट्टे की। राजस्थान में गट्टे की सब्ज़ी को बहुत पसंद किया जाता है, शादी हो त्यौहार हो सब गट्टे की सब्ज़ी बहुत बनाते हैं, तो मुझे बहुत पसंद है सभी को। हैप्पी एनिवर्सरी मेरा बना। और ये क्रिकेट खेलता हुआ इतने सालों से तेरा वेट कर रहे थे हैं, ये क्रिकेट खेलते हुए ये ग्रिप चढ़ाता हुआ, इसकी ग्रिप बैट बता ना, इसकी ग्रिप ऐसे ही ये चढ़ाते हुए। और ये नींबू पानी बनाते हुए, मटकी ठंडे ठंडे मटकी में से पानी लेते हुए, ये हाँ वो वाला बता। तो उसके बाद में ये हम बाहर निकले हैं, ये पेड़ पौधे हैं मेरे, तो मैंने सोचा आज देख लेती हूँ इनको। तो ये है पुदीना, तो इस पुदीने को ऊपर के ये है ना ऊपर से पिंच कर देंगे तो ये ज़्यादा घना हो जाएगा, तो इनको ऊपर से पिंच कर रहे हैं, हटा रहे हैं इनको और काम में भी ले लेंगे। तो नींबू पानी हो, चटनी हो, और कैरी की चटनी के साथ बनाओ, ऐसे बनाओ तो अच्छा लगता है, और दही के साथ खाइए। तो ये ऐसे थोड़े थोड़े उग गए हैं, अच्छे लग रहे हैं। और इधर की साइड इनको और लगा देंगे, तो आगे और बताऊँगी अगले वीडियो में ये कितने घने हुए, अभी तो ये इतने ही हुए हैं। एक डंडी लगाई थी मैंने और उससे देखिए कितना अच्छा हो गया ये पुदीना। तो एक जो लेके आते हैं पुदीना उसकी एक डंडी लगा दो तो ये बहुत सारे हो जाते हैं, तो मेरे देखिए एक डंडी से बहुत सारे हो गए ये। और आपको पता है पुदीना गर्मियों में बहुत अच्छा रहता है, तो ये ठंडक भी देता है। और ये यहाँ पर ये गमले रखे थे तो इनको मैं भर लूँगी और इनमें भी कुछ उगा दूँगी, इसमें कुछ पौधे लगा दूंगी। तो ये पड़ा है और मिट्टी भी पड़ी है, तो मैंने यहाँ बैठी बैठी कुर्सी पर ये नीचे बाल्टी रख ली, तो इनमें भर लूँगी। तो बच्चे थोड़ी मदद कर देते हैं, थोड़ी मैं कर लेती हूँ, तो ये भर रही हूँ। ये देखिए यहाँ से ये लगा दिया मैंने, ये कटिंग करके इसको लगाया है, तो कितना अच्छा लग रहा है हरा हरा।
हरा हरा देख के ही कितना अच्छा लगता है। तो पेड़ पौधे लगाने चाहिए और अच्छा भी लगता है पेड़ पौधे लगाते हैं तो। मुझे बहुत पसंद है पेड़ पौधे लगाना और उनकी देखभाल करना। तो बच्चों के साथ आजकल मैं लगी रहती हूँ और बीमार पैर ख़राब होने के बाद में अब मैं पेड़ पौधों की देखभाल करने लगी हूँ। बच्चे भी बहुत मदद करने लगे हैं, बच्चों ने पेड़ पौधे बहुत अच्छे कर दिए मेरे, और मुझे देख के बहुत अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों ने मेरे पेड़ पौधे संभाल लिए। और अब सुबह और शाम, गर्मी बहुत पड़ रही है तो सुबह और शाम पेड़ों में पानी देना भी बहुत ज़रूरी है। तो ये मटकी रखी थी एक छोटी सी, तो इसमें भी मिट्टी भर रही हूँ। और ये मेरे साथ में देखो, कह रहा मम्मी बॉल कराओ, आप बाहर बैठे हो तो। ये बरामदा है हमारा, तो यहाँ से इसको बॉल भी करा रही हूँ, तो इसके साथ खेल रही हूँ तो मुझे अच्छा भी लग रहा है बहुत। तो बच्चों के साथ थोड़ा देर खेलना भी चाहिए। तो अब थोड़ा थोड़ा पैर में थोड़ा आराम पड़ने लगा है, तो मैं बच्चों के साथ यहाँ खेलती भी हूँ और पेड़ पौधों का ध्यान भी रखती हूँ, और अच्छा भी लगता है। शाम का टाइम है ये, तो बहुत अच्छा लग रहा है, को भी अच्छा लग रहा है आज जिसके साथ खेल रही हूँ। तो बॉल मैं यहाँ से फेंक रही हूँ, तो वो यहाँ से खेल रहा है। और ये देखिए, ये दूसरे दिन का है, धूप कितनी अच्छी खिल रही है, तो ये फूल भी कितने प्यारे लग रहे हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं। वाह, कितने अच्छे हो रहे हैं। तो ये फूल धूप में ही खिलते हैं तो बहुत अच्छे लगते हैं, देखो कितने सारे हो रहे हैं। तो देखो मेरे बच्चों ने कितना अच्छा कर लिया है, ऊपर पेड़ों को पानी दे के, पेड़ पौधों को, और ये फूल भी कितने प्यारे प्यारे खिल रहे हैं, ये सब हरे भरे हो रहे हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ये देखो येलो कलर का फूल कितना प्यारा है। तो ये इधर सूख गई घास, ये एलोवेरा भी सूख रहा है थोड़ा थोड़ा, और ये तो पूरा ही सूख गया है, तो इसको रिपोर्ट करेंगे अब। ये भी इधर भी सूख गया है, तो इसको हटा के और कुछ लगाएंगे इधर। तो और ये देखिए नीचे कितने अच्छे फूल खिल रहे हैं, ये कितना हरा भरा हो रहा है। तो कुछ ये देखिए यहाँ भी कितना अच्छा लग रहा है, तो इनको दूसरे गमले में शिफ्ट करूँगी। ये देखिए वाइट फूल बहुत ही प्यारा लग रहा है, तो आपको कैसा लग रहा है बताइएगा। और ये देखिए यहाँ पे, ये भी थोड़ा, इनको सबको हटा के थोड़े दूसरे में करूँगी, तो दूसरा ब्लॉक जल्द